क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द वर्कशीट अगेन, वर्कशीट ऑलरेडी आपने ड्रॉ करी हुई है. टू कैलकुलेट द प्राइस विच इज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट एंड डिस्प्ले इन सेल D2 एंड डिस्प्ले इन सेल D2. रेजा आई थिंक क्वेश्चन लिख सकते हो आप. क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट एंड डिस्प्ले इन सेल D2. बोलो. Now what is the formula? This is the one first row, this is the second, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now in cell D2, this is the D2. You have to calculate the price. Nitya, ये कौन सा तरीका क्लास में बैठने का? Get up from there. I said get up from there. Go to that side. Bench नजर आ रहा है second वहां पे? हाँ जी. व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर? यस रेजा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर? योर नेम इज रेजा. यस रेजा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस विच इज द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, राइट इन D2. यहाँ पे D2 सेल है आपका, ये वाला वो मैं बता रही हूँ. नाउ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्राइस इनटू क्वांटिटी. क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा? वर्कशीट में ना ऑलरेडी बनवा चुकी हूँ मैं, सिर्फ अभी आपकी रेफरेंस के लिए मैंने कॉलम्स बना दिए आपके लिए दोबारा. हाँ तो प्राइस कहाँ पे होगी फिर? अगर D2 में मुझे फॉर्मूला प्राइस कैलकुलेट करनी है तो प्राइस और क्वांटिटी और रेट कहाँ है? किसमें है क्वांटिटी, किसमें है? अब ये क्यों चेंज हुआ? गाइडलाइंस में लिखा हुआ, गाइडलाइन में लिखा हुआ है, इसलिए अलग से दोबारा इंस्ट्रक्शंस दी हुई है. क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, वन ही लेनी है. हाँ जी, आपने फॉर्मूला, आपसे फॉर्मूला पूछा है क्वेश्चन में टू कैलकुलेट द प्राइस. राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस. यस अश्मित, क्या फॉर्मूला बनेगा? रेजा को नहीं आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला नहीं आ रहा है. रेज अश्मित, मल्टीप्लाई पहले क्या आएगा? इसमें क्या मुश्किल था? If you are still not paying attention, then what is the क्या कर रहे हैं आप क्लास में? ठीक. Excuse me, ma'am. Yes, Dhiren. Ma'am, book में count में एक example है. उसमें string values use करने सिखाया, तो एक बार वो भी बता दो. पहले ये worksheet discuss कर लें, then we will take that problem. Next question is to display the maximum price. Price is in column D. To display the maximum price and display in cell D7. जहां भी display करनी है, formula क्या लगेगा to calculate the price? Values आपकी 6 तक आपकी fill हुई हुई है. आपकी values 6 column तक, 6 rows मैंने fill करी हुई है आपकी worksheet में. What will be the formula, Sudiksha? फॉर्मूलाज मैंने आपको बोला, वैल्यूज आपकी D6 तक फिल हुई हुई है, ठीक है, वर्कशीट में आपकी. टू डिस्प्ले मैक्सिमम प्राइस एंड डिस्प्ले इन सेल D7. D6, D2 आएगा, D1
जाएगा, D1 में प्राइस है, तो फॉर्मूला विल बी इज इक्वल टू मैक्स D2 कॉलन D6। वर्कशीट निकालो ना, रफ कॉपी पे नोट करवाई थी, वहां पे कॉलम्स आपके दिए हुए हैं, कॉलम्स एंड रो नंबर्स, उसको चेक करके फिर फॉर्मूलास मत प्रेम करो। अब जिन बच्चों ने नोट नहीं करी है फिर उनका लॉस है। टू कैलकुलेट द डिस्काउंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द डिस्काउंट विच इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशन, टू कैलकुलेट द डिस्काउंट, प्रिंटेड पीडीएफ नहीं आनी है नित्या, टू कैलकुलेट द डिस्काउंट विच इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन इफ प्राइस इज मोर देन 2500, इफ प्राइस इज मोर देन 2500 डिस्काउंट इज 20%, डिस्काउंट इज 20%, इफ प्राइस इज मोर देन 2500 डिस्काउंट इज 20%, 20% ऑफ प्राइस, अदरवाइज 15%, अदरवाइज 15%। नाउ आपको चेक करना है डिस्काउंट ई कॉलम में, ई टू में आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला प्लेस करना है कि अगर आपका ये प्राइस इज इन डी टू, इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन 2500 डिस्काउंट जो कैलकुलेट होगा दैट विल बी 20% ऑफ द प्राइस, अदरवाइज डिस्काउंट विल बी 15%। नाउ हाउ यू विल फ्रेम द फॉर्मूला, यहाँ के लिखो, लिखा जाएगा यहाँ साइड पे लिखो, लेट्स चेक, यहाँ से लिख लेना बेटा, लंबा है ना फॉर्मूला, पूरा आएगा। हाँ जी, अपनी अपनी कॉपीज पे लिखो, देखो चेक करो, लिख के देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, दिखाओ। काउंट इफ क्यों कर रहे हो, काउंट तो करना ही नहीं, काउंट नहीं कर रहे हैं हम, कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट इज 20%, सपोज डिस्काउंट इज 20% तो क्या फॉर्मूला लगेगा, गलत है, गलत है, देख लिया गलत है, हाँ जी बता दिखाओ, कैलकुलेट करना है डिस्काउंट, सिर्फ 20% डिस्प्ले नहीं करवाना है, कैलकुलेट करो प्राइस का 20% कितना निकल रहा है, 20% नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ और आएगा, 20% मींस 20 डिवाइडेड बाय 100, 20% से नहीं चलेगा, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 0.02 आएगा, 20 कर 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 आगे 15, हाँ तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, इनटू 20 नहीं आएगा ना बेटा, 20 से तो 20% हाँ, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट इज 20%, दैट मींस 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.2, 0.15 2 लिखा है, इट इज ग्रेटर देन 2500। ओके इज इक्वल टू इफ, अगर आपका प्राइस इज गिवन इन डी टू, इफ डी टू इज ग्रेटर देन 2500, ठीक है सेमी कॉलन, अगर ट्रू है तो क्या करे, डिस्काउंट शुड बी 20%, तो डी टू मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ठीक है कर लेता, इट्स ओके, बट कैलकुलेशन हो रही है, डिस्प्ले टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, अगर टेक्स्ट डिस्प्ले करना होगा तब डबल कोट्स आएंगे। ट्वेंटी परसेंट के लिए लिखा है 0.2,
20% means 20 divided by 100. So that will be 0.2. That's why. Now, if the condition is true, agar D2 mein jo value aa rahi hai, agar D2 mein jo value aa rahi hai, if double quotes yahan kyun aayenge, ye value display nahi kar rahe, calculation kar rahe hain. अगर पास फेल या कोई डिस्प्ले करा रहे होते तब आता डबल कोट्स. इफ द कंडीशन इज ट्रू आफ्टर द सेमी कॉलन फर्स्ट वैल्यू विल बी डिस्प्लेड. अगर कंडीशन फॉल्स है देन सेकंड वैल्यू विल बी डिस्प्लेड. क्लियर? नाउ व्हेन वी ड्रैग दिस फॉर्मूला D2 विल ऑलवेज D2 विल बिकम D3. तो सेकंड कॉलम के लिए डिस्काउंट आ जाएगा, सेकंड रो के लिए. देन अगेन वी कॉपी द फॉर्मूला D4, तो देन फोर्थ रो के लिए आपका डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा. हाँ, फिर एक ही लिखना, फिर एक ही लिखना, फिर एल्स की जरूरत नहीं है. एल्स होगा वैसे तो हर बार होगा, अगर एल्स नहीं होगा हाँ उसका फिर दूसरे का कैलकुलेट क्या होएगा? नहीं आएगा, एरर आएगी, एरर आएगी, सिंटेक्स एरर आएगी. करवा रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Write the next question. To calculate amount as price minus discount and display in cell F2. Now यहाँ पर आपका discount calculate हो गया. F2 में आपको amount देना है. That is price minus discount. एक मिनट अर्जू यहां देखो, आपको यहां फॉर्मूला लगाना है किस चीज का. लुक हियर, प्राइस माइनस डिस्काउंट. प्राइस कौन से सेल में है? D2 माइनस, तो फॉर्मूला क्या बना? इज इक्वल टू D2 माइनस E2. आपको भी एक एक फॉर्मूला, सिर्फ क्वेश्चन वर्कशीट है, वर्कशीट कोई भी दी हो क्वेश्चन इसी तरह के सिमिलर होंगे. नेक्स्ट, टू फाइंड द सम ऑफ अमाउंट एंड डिस्प्ले इन सेल F7. To find the sum of amount, एक मिनट साहिल, साहिल sum of amount, amount कौन से कॉलम में है? F. रेंज क्या है? F2 to F6. अगर पेपर में नहीं नजर आएगा तो फिर इन मार्क्स नहीं मिलेंगे. करेक्ट. ओके, इज इक्वल टू सम F2 colon F6. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट वैट, VAT, लिखवाया हुआ है मैंने वर्कशीट में, चेक करो, लिखवाया हुआ है टोटल के नीचे. ओके, लिखवाया था, 8 रो में है, मैंने लिखवाया हुआ है. हाँ, यस, 10%. टैक्स होता. ओके, वैल्यूएटेड टैक्स. ओके, टू कैलकुलेट वैट ऑन टोटल अमाउंट एंड डिस्प्ले इन सेल F8. टू कैलकुलेट वैट ऑन टोटल अमाउंट एंड डिस्प्ले इन सेल F8. नाउ लिसन, आपके पास 8 रो में नहीं, टोटल अमाउंट बेटा आपका F7 में आया था. यहाँ टोटल आपका F7 में अभी डिस्प्ले करवाया हमने. यहाँ पर टोटल है, ठीक है, यहाँ पर आपका अमाउंट कैलकुलेट हुआ है. हेयर हेडिंग इज VAT 10.5%, ठीक है, इट शुड बी डिस्प्लेड हियर इन विच कॉलम? F8. F8 में आपका VAT कैलकुलेट होगा ऑन टोटल अमाउंट.
ठीक है, इफ टोटल अमाउंट जो भी प्राइस है दैट इज इन एफ सेवन 10.5% कैलकुलेट करो 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 आओ वंशिक जल्दी है, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला ही लगाना है, अमाउंट तो भी है ही नहीं हमारे पास। हाँ टोटल का 10.5% निकालना है। ये मैथ का नहीं है, कंप्यूटर का काम है, तो सिंबल कंप्यूटर के यूज होंगे। चलो डिवाइडेड बाय 100 बस कुछ भी इज इक्वल टू एफ सेवन मल्टीप्लाइड बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 100। वैट कैलकुलेट हो गया। नाउ इन नाइन्थ रो देर इज नेट बिल, यहां पे आपका आएगा एफ नाइन में। टू फाइंड द नेट बिल क्वेश्चन लिखो, टू फाइंड द नेट बिल एज टोटल प्लस वैट, टू कैलकुलेट द नेट बिल एज टोटल प्लस वैट। अंजी आदित्य क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल प्लस वैट दो ही है तो आप सीधा भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू एफ सेवन प्लस एफ एट। फंक्शन तब लगाओ जब रेंज है एफ सेवन प्लस एफ एट। ओके नाउ राइट द नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज आर क्लियर? जयति धीरेन आर्यन यस मैम, काउंट इफ में डबल कोट्स क्राइटेरियन में लगाना मैंडेटरी है? काउंट इफ में क्राइटेरिया को डबल कोट्स में यस लगाना है, यस मैम लगाना है, यस। हाँ पीपीटी में भेजनी है। ओके अभी तक बेटा आप सबकी गलतियां हो रही हैं फॉर्मूला कॉपी करने में, ठीक है, फॉर्मूला कॉपी करने में अभी भी गलतियां हो रही हैं आपकी। बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला पूछे हुए हैं। ओके राइट डाउन द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट डाउन द नेक्स्ट वर्कशीट, इसमें आपके पास इफ कंडीशन भी यूज होगी। हाँ हाँ काउंट इफ, ओके इसी से रिलेटेड एक काउंट इफ करके देखो जो वर्कशीट दी है इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऐड करो। काउंट द आइटम नेम्स, काउंट द आइटम नेम्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 2500। काउंट द आइटम नेम्स whose price is greater than 2500। कितने आइटम्स है जिनका, हाँ जिनका प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर देन 2500। नाउ प्राइस इज इन विच कॉलम? डी, डी कॉलम, डी टू से लेके डी सिक्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? काउंट है बताओ डी टू कॉलन डी सिक्स सेमी कॉलन ग्रेटर देन डबल कोट्स में
काउंटिफ में जो क्राइटेरिया है दैट विल बी इन डबल कोट्स. ठीक है, काउंट इफ डी टू टू डी सिक्स काउंट करो, कंडीशन और रेंज को सेपरेट करने के लिए ये रेंज है, सेमी कॉलन कंडीशन. ठीक है, काउंट इफ डी टू कॉलन, बेटा वो इफ में है, ये काउंट इफ है. ठीक है, वो इफ में था, ये काउंट इफ है. ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वर्कशीट, सिमिलर वर्कशीट जो आपने ऑलरेडी अपने असाइनमेंट्स में करी है. जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करी है, डिफॉल्टर्स है. ई कोड ओके, नेक्स्ट ई नेम, डू इट नाउ, फॉर्मूलास लगाओ अभी. सी बेसिक, डी कॉलन, टी ए ट्रेवलिंग अलाउंस, डी ए ई कॉलन पी एफ, जी कॉलम टोटल सैलरी, एंड एच कॉलम बोनस. ठीक है, चेक बाद में बात करते हैं. हाँ जी, नाउ यू हैव टू सपोज टू टाइप 10 एम्प्लॉइज रिकॉर्ड. दैट मीन्स दैट विल बी अप टू योर विच रो नंबर 11, बिकॉज फर्स्ट में आपके पास क्या है, हेडिंग्स है. तो आपके पास एम्प्लॉइज के जो नेम, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, पीएफ, टोटल सैल और बोनस कैलकुलेट होगा, दैट विल बी अप टू 11th रो. ठीक है, टीए इज ट्रेवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड एंड टोटल सैल. ओके, नाउ राइट द फॉर्मूलास. क्वेश्चन, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टीए एज 15% ऑफ बेसिक सैलरी, यहां पर That is in D2 column. D2, आपको TA display करवाना है 15% of salary. Basic. C2 0.15. C2 multiplied by 0.15. PDF में दिया हुआ है. टू डिस्प्ले टोटल अलाउंस एज 15% ऑफ बेसिक. नेक्स्ट, कैलकुलेट डीए एज 20% ऑफ बेसिक. आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, सॉफ्ट कॉपी आपने सेंड करी है, वो नहीं, हार्ड कॉपी. ओके, नेक्स्ट, हाँ जी, बेसिक का 20% C2 इंटू 0.2. ओके, नेक्स्ट, पीएफ इज 1200, वो तो एज इट इज फिल हो जाएगा. नेक्स्ट, डिस्प्ले टोटल सैलरी विच इज द सम ऑफ बेसिक प्लस टीए प्लस डीए माइनस पीएफ. एक मिनट शिवराज, क्या फॉर्मूला बनेगा? इन तीनों को प्लस करना है, इसको माइनस करना है. एवरीवन बी क्वाइट. यस शिवराज, कॉलम क्यू प्लस करना है, बेसिक प्लस पीए प्लस डीए माइनस पीएफ. C2 प्लस D2 प्लस E2 माइनस F2. ठीक है, C2 D2 E2 माइनस F2. ओके, नेक्स्ट, बोनस कैलकुलेट करने के लिए क्राइटेरिया है. राइट डाउन द क्राइटेरिया. इफ द टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000,
If the total salary is greater than 20,000, question likho. Bonus is 15%. If the total salary is greater than 20,000, laksh likh nahi rahe ho. Bonus is 15%. Otherwise, bonus is 10%. कंडीशन बनाओ पहले बोनस के लिए. बोनस कैलकुलेट करने के लिए क्या कंडीशन बनेगी? कैलकुलेशन हो रही है. बोनस है 15% ऑफ टोटल सैलरी एंड 10% ऑफ टोटल सैलरी. ओके, वन 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 स्टूडेंट विल से इफ आई नो मैं स्पेस जी टू greater than 20,000 semicolon calculation हो रही है. जी टू मल्टीप्लाइड बाय 0.15 semicolon जी टू 0.1 10% क्लियर है? समझ आ रहा है बेटा? अगर अभी भी नहीं आपको क्लियर होगा तो डाउट सभी क्लियर कर लो, एग्जाम में कोई चांस नहीं मिलेगा. काउंट इफ, काउंट इफ तब लगेगा व्हेन यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ एंट्रीज बेस्ड ऑन अ कंडीशन, है ना? काउंट द नंबर ऑफ एंट्रीज बेस्ड ऑन अ कंडीशन. That means that is a sum of count and if. Count means counting the number of entries. If means based on some condition. हाँ, okay, next. Calculate net salary. That is the total salary of employees. टोटल सैलरी ऑल, ठीक है? डिस्प्ले इन G13. कैलकुलेट द नेट सैलरी विच इज द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज. वर्कशीट कहाँ है इसकी? हाँ जी, G13 में यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल सम G2:G11. हाँ, प्लीज बेटा बिहेव योर सेल्फ. यू आर सिटिंग इन क्लास, यू आर डूइंग वर्क. आई नो यू कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ रिमार्क्स एटलीस्ट इन द क्लास, एटलीस्ट व्हेन वी आर डूइंग सम वर्क, व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट इन द क्लास, यू कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ रिमार्क्स. लक्ष्य, अरविंद किससे पूछ के सीट चेंज किया आपने? Okay, in your books, take out your page number 264. In your books, take out page number 264. Divya, page number 264 in your books.
264. Okay. Observe the worksheet given on page number 264. Number of students playing, paying 150, expenditure, cost of each, number needed, total cost. Worksheet is there. First question. What is the cell reference of the shaded cell? बेटा अगर ओके यहाँ पे दिए हुए हैं बट आपको ऑब्जर्व करो वर्कशीट पे आंसर्स खुद फ्रेम करो पेपर में तो आंसर्स नहीं दिए होंगे ना. नाउ नेम द व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर स्टूडेंट इन D19 में आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर स्टूडेंट. टोटल कॉस्ट इज गिवन. लिसन टोटल कॉस्ट इज गिवन. ठीक है टोटल स्टूडेंट्स आर गिवन 150. टोटल कॉस्ट इज गिवन इन द सेल D17 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन इन D6 तो भी आ जाएगा. ठीक है D17 डिवाइडेड बाय D5 और 150. एक मिनट कैन वी डिस्कस दिस थिंग आफ्टर द ब्रेक आफ्टर द क्लास. गवर्नर रिसेप्शन पे बुलाया सर्विस जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक मैंने अभी बोला था आई थिंक यू कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ रिमार्क्स इन द क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन. Many students say that at the most they will pay ₹500. How much money would be raised by the collection of, say you have to enter this in cell D21. If everybody pays 500, the total collection kitni hogi? D5 is the total number of students, that is 150. 150 into 500. D5 into 500. Okay. How much extra money must be raised other than collection? D21 तो यहाँ दिया ही नहीं हुआ. D21 is not given here. Okay, listen. Many of the worksheets and exercise practical based questions are given in the back exercise of the chapter also. Go through all of them.